गुरु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे आपसे ही ट्रेनिंग लेनी है। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ गुरु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग करनी है गुरु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे कहते ही आ गए, लेकिन आपके लाख रुपए लग गए सर। अगर एक दो दिन और रुक जाते तो वो पुलिस वाले 25,000 में भी मान जाते मुझे लगता है। रश्मि को छुड़वाने के लिए मैं 2 लाख भी दे देता। सर सर कैसे सर, मेरे पास खुद के लिए तो वक्त ही नहीं है, दूसरों के लिए क्या करूं है? आप ही ने कहा था ना सर। सर आप महान हैं सर। रश्मि, रश्मि चलो आ जाओ। सारी बीती बातों को भूल जाओ। अब तक तुमने क्वालिफाइंग मैच नहीं जीता है। अगर तुम अगला मैच जीत गई तो डायरेक्ट वर्ल्ड कप सिलेक्शन तक पहुंच जाओगी। अब सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग में कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। समझ गई? सही बोला तूने। अच्छा, अरे तू कहाँ डाइट कर रही है? कल देखा मैंने चुपकर तू कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। गुड मॉर्निंग मास्टर। रश्मि ला बैग दे। कोई बात नहीं, रहने दो, मैं अपना बैग उठा सकती हूँ। मैं तुम्हारी रूममेट को शिफ्ट करवा दूंगा, तुम दोनों साथ रह सकती हो। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है सर, मैं अकेले रह लूंगी। जब देखो तब रश्मि रश्मि यही नाम जपता रहता है वो। ऐसा कौन सा जादू कर दिया तूने उस पे? ये बेचारी वाला एक्सप्रेशन लेके घूम रही है, ऐसा कैसे कर लेती है तू? मुझे भी सिखाना बहन। अगर तू बॉक्सिंग नहीं करेगी तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? वैसे भी तेरा हाथ टूटा, समझती क्यों नहीं? मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा जब तूने मेरा जानबूझ के हाथ तोड़ा। अपने टूटे हाथ से ही मैंने फाइट किया और हार गई, लेकिन किसी को मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने इतनी मेहनत सिर्फ तेरे लिए की थी लक्ष्मी। तो मैंने कुछ नहीं किया क्या? हाँ, खुद को हारा हुआ सा महसूस करने लगी हूँ मैं। छी, नहीं बता के क्या महान काम किया? पुलिस की नौकरी लेकर उस कबाड़ से बाहर निकलना चाहती हूँ, परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार कहा होता मैं हमेशा के लिए बॉक्सिंग छोड़ देती, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। बॉक्सिंग मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बॉक्सिंग करूंगी खुद के लिए और मेरे उस कोच के लिए। मैं लड़ूंगी। बॉक्सिंग करेगी? हाँ? फिर तू मेरे से पहले लड़। हाँ? 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 लक्ष्मी क्या कर रही? स्टॉप इट। रुक जा, पागल हो गई हो क्या? जाओ यहां से। क्यों, इसे कमरे में लेकर जाना चाहते हो? रश्मि तुम अपने कमरे में जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उससे जैसे ट्रेनिंग दी वैसी ट्रेनिंग तुमने मुझे क्यों नहीं दी? क्योंकि वो तुम्हारी और मेरी तरह डर के भागने वालों में से नहीं, वो चोट लगने से नहीं डरती। तुम सिर्फ बॉक्सिंग के लिए जीना चाहती हो ना, वो बॉक्सिंग के लिए जान भी दे सकती है। लक्ष्मी तुम्हारी बहन तुमसे बेहतर है, बात इतनी सी। Master.
जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? वो एक भी मैच नहीं जीत पाएगी। पहले मैच में रेफरी को मारा, नेशनल मैच में बच गई, उसे वर्ल्ड कप में सेलेक्ट करवाना चाहते हो? कोई तैयारी है? अंदर कोई जान पहचान है? शायद आपको वर्ल्ड कप सिलेक्शन के बारे में जानकारी नहीं। कैसे होगी, दिन भर अपना वक्त मुफ्त का खाना खाने में बिताते हो और कुछ दिमाग में आता ही नहीं। समोसा देख के खाना, आजकल आलू में कीड़े बहुत होते हैं, पेट में घर बना लेंगे। एक बार अपने आसपास देखो रश्मि, यहाँ हर कोई चाहता है कि तुम हार जाओ, इसलिए कि तुम मेरी स्टूडेंट हो। तुमने एक छोटी सी गलती भी की तो वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, क्योंकि पॉइंट्स के बेसिस पे जीतना आसान नहीं। आप क्या चाहते हैं सर? नॉकआउट, बस इतना ही। राइटर और रश्मि आमने सामने। फाइनल्स में पहुंचकर अपने हुनर को साबित कर दिया है। वाइजेक की सब्जी बेचने वाली रश्मि की 3 times वर्ल्ड चैंपियन नतालिया से टक्कर होगी। आप पिछली बार नतालिया से हार गई थी, तो इस बार आपको क्या लगता है आप जीत पाएंगी? वो पुरानी बात थी, लेकिन आज मेरे साथ आदि सर हैं और अब मैं कोई मैच नहीं हारूंगी। जनता किसी चमत्कार के इंतजार में है, युवा खिलाड़ी रश्मि और नतालिया की मैच को लेकर। क्या चाहो, प्रैक्टिस करो। अरे सुनिए, सुनते हो क्या? ये तार का पेड़ नहीं बिजली का खंभा है, आपको शॉक लग जाएगा। नीचे उतरिए, जल्दी उतरिए। लक्ष्मी हार गई है, उसने फोन करके बताया था, बहुत रो रही थी। अब छोटी वाली का मैच होने वाला है, वहाँ उसी को टीवी पे देखना है, इसीलिए ये तार जोड़ रहा हूँ मैं। हाँ। करो करो, मैं बस्ती में सबको बता के आती हूँ। चाची चाची, रश्मि का बॉक्सिंग मैच टीवी पर आने वाला है, चलिए। बेटा सुन, रश्मि का मैच आने वाला है, चल। नेक्स्ट रश्मि, इंडिया लाइटवेट। लिस्ट में आपका नाम नहीं है। योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट। नेक्स्ट सर। क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? हर नेम इज नॉट इन द लिस्ट। व्हाट डू यू मीन द नेम इज नॉट इन द लिस्ट? इसने सेमीफाइनल जीता है मैम। एसोसिएशन से जाकर पूछो। नेक्स्ट। तुम यही रुको, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। देव
जरा देव, रश्मि का नाम लिस्ट में क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? दोस्तों, हम 5 मिनट अकेले में बात करना चाहते हैं, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। जो चाल तूने मेरे साथ चली थी वो अब दोबारा चल रहा है। रश्मि ने सेमीफाइनल्स जीता है, फिर उसका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? सितंबर 1996 ओलंपिक सिलेक्शन हिसार, तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया था, याद है? 14 अगस्त 2001 नेशनल मीट चंडीगढ़, प्रेस के सामने तुमने कहा मुझे बॉक्सिंग आती ही नहीं। 28 जनवरी, ये सब पुरानी बातें हैं देव, इन सब बातों को लेकर उसकी जिंदगी खराब मत कर। घाव तो ठीक हो गया आदि, पर उसके जख्म अब तक यहां है। मैं तुम्हें एक छोटा सा सीक्रेट बताऊं, कल के डोप टेस्ट में रश्मि फेल होने वाली है। इसके बाद तुम्हारी बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। तेरी दुश्मनी मुझसे, बदला उससे क्यों ले रहा है? वो इसलिए क्योंकि वो फेल होगी तो आदि भी फेल होगा। क्या हुआ, फिर से थप्पड़ मारेगा? प्लीज देव, वो बहुत अच्छी बॉक्सर है, उस पर अपनी खुन्नस मत निकाल। कहां तू और तेरी पावर, और कहां वो और उनकी हैसियत? वो गरीब लोग हैं देव, ये बात मेरी और तेरी नहीं है, ये बात है देश में वुमेन्स बॉक्सिंग की। ये बात तेरी और मेरी ही है आदि, बॉक्सिंग मेरी जान है, तो इससे जुड़ा सारा मान सम्मान भी मुझे ही चाहिए। तुम वो मुझसे छीन लो ये मैं होने नहीं दूंगा। बहुत नफरत करता हूं मैं तुमसे, अब मेरा टाइम बर्बाद मत करो, जाओ यहां से। रश्मि को फाइनल्स में शामिल करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा? देव बोलो, इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? तुमसे पूछ रहा हूं। रिजाइन कर दो। अब उसे रोकना मत। आदि यहां आओ। आईडी वापस करो। आज से तुम कोच नहीं हो। अगर फेडरेशन के आसपास भी गए, या स्टेडियम के आसपास, या उससे मिलने की भी कोशिश की, तो मैं उसे डिस्क्वालिफाई कर दूंगा। समझ गए ना? आदि, अपना सारा गुस्सा छोड़ के तुम मेरे सामने झुक गए, क्या वो इतनी मजेदार है? इस देश में जो टैलेंट छुपा है उसकी कीमत तू क्या समझेगा? देश को मेडल दिलाने के लिए मैं किसी के भी पैरों पर नाक रगड़ने को तैयार हूं, लेकिन ये सब तेरी समझ से परे है, क्योंकि तेरी रग रग में बेईमानी भरी हुई है। शर्म आनी चाहिए तुझे देव, इन हाथों में आज भी उतनी ही ताकत है, आजमा के देख लेना।